हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ए और एच नाम की जोड़ियों के बारे में। तो आखिर ए और एच कैसे होते हैं? बड़े ही कमाल की जोड़ी होती है इनकी। वैसे तो रब बनाते हैं जोड़ियाँ, लेकिन खूबियाँ और खामियाँ तो आप में हैं, और इस खूबियों खामियों के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, और जी हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाओ हमारे साथ आगे बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए। दोस्तों, वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे राज पता चलने वाले हैं। ए और एच कैसी होती है इनकी जोड़ी, और क्या ये एक दूसरे के लिए बेस्ट है या फिर एवरेज है, या फिर इनकी जोड़ी इतनी अच्छी क्यों होती है, क्या राज होता है, या फिर अगर कहा जाए कि क्यों होती है इनकी नेचर में ऐसी सारी चीज़ें। अगर आप कपल नहीं सोचते हो, अगर जोड़ियों की बात ना किया जाए, तो इंडिपेंडेंटली अगर हम बात करें सिर्फ इनकी, कि इंडिविजुअली ये काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में एक ही वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। तो उम्मीद करती हूँ अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया होगा। एच नेम वाले काफ़ी राजसी होते हैं, यानी कहा जाए तो इनकी लाइफ में इन्हें किंग टाइप रहना काफ़ी पसंद होता है। किंग टाइप रहना भी पसंद करते हैं, जीतते हैं राजसी, मरते हैं राजसी, यानी इनका कहना जाए तो किंग टाइप की लाइफ होनी चाहिए, ग्रैंड एकदम। इनकी लाइफ में ना पैसे काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, मनी इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है, और मनी जो है ना इनको बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इन्हें खर्चे जो करने होते हैं, ये खर्चे ज़्यादा बचाते नहीं, खर्चीले होते हैं थोड़े से, लेकिन हाँ खर्चीले होते हैं, लेकिन दूसरे पे नहीं, खुद पे बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे, ये बात देखा गया है इन पे। लेकिन हाँ दोस्तों पे भी करते हैं, लेकिन खर्चा ये करते हैं, मनी इनको चाहिए ही चाहिए। वही हम बात करें ए नेम वालों की, तो वो काफ़ी मेहनती होते हैं ना, पैसे को वो वेस्ट नहीं करना चाहते, पैसे हो कोई भी चीज़ हो वो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते, वो पैसे को काफ़ी सहेज कर रखते हैं, और जहाँ ज़रूरत होती है वही खर्च करते हैं। तो इस वजह से इन दोनों में ये चीज़ें काफ़ी थोड़ी अनबैलेंस ही हो जाती है, क्योंकि एक तो बहुत बचाने वाला और एक बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला, तो इस वजह से इनमें ये बातें एक है जो थोड़ी अलग है। एच नेम वाले काफ़ी हंसमुख होते हैं, और ए नेम वाले ज़्यादा हंसते भी नहीं किसी से, वो जिसको जानते हैं उसी से काफ़ी घुलते मिलते हैं, और जिसको नहीं जानते उससे बिल्कुल ही साइलेंट, जल्दी बात भी नहीं करेंगे। साय किस्म के तो होते ही है, शर्मीले से चाहे शर्मीली सी लड़कियाँ भी, लड़की हो चाहे लड़के, दोनों के नीचे ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, अगर वो ए नेम से है तो या फिर एच नेम से है तो। तो यहाँ पर बात करें तो दोनों काफ़ी अच्छे होते हैं, और कहा जाए तो एक दूसरे के लिए सपोर्ट केयरिंग इनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन ज़्यादा केयर अगर देखी जाए तो ए नेम वाले ज़्यादा केयर करते हैं, एच नेम वाले भी करते हैं, लेकिन केयर ज़्यादा तो ए नेम वाले ही करते हैं। दूसरी तरफ बात की जाए तो इनके अगर बात की जाए इनकी बैलेंसिंग की, तो बैलेंस करने में कौन अच्छे होते हैं, बैलेंस करने में अगर देखा जाए तो दोनों काफ़ी अच्छे होते हैं, वो रिश्तों को काफ़ी अहमियत देते हैं, और झूठे लोगों से तो दूर ही रहते हैं। ये अपने फैमिली को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन हाँ इन्हें अपनी प्रायोरिटी चाहिए ये जानते हैं, और इसी के साथ अपनी ये अपनी जो लाइफ को ना कुछ ज़्यादा ही सीक्रेट ही रखना चाहते हैं, सबके सामने खुलम खुला नहीं करना चाहते कि हम सब कुछ सबके सामने बताएं कि हमारी पर्सनल लाइफ क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो ये अपने प्यार को जल्दी इजहार तो करते ही नहीं है सबके सामने, लेकिन हाँ एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, और काफ़ी लंबा चलता है इनका रिलेशनशिप ये देखा गया है। ये एक दूसरे से जल्दी प्रपोज तो अगर देखा जाए तो प्रपोज ज़्यादा करने में एक दूसरे से थोड़ा सा अलग होते हैं, एच नेम वाले प्रपोज करने में आगे होते हैं ई नेम वालों से ज़्यादा, लेकिन अगर देखा जाए तो पेशेंस है ए नेम वालों में ज़्यादा होता है एच नेम वालों के मैटर में। तो ये चीज़ एक अच्छी हो गई, एक पेशेंस है तो एक बहुत ज़्यादा चंचल है, ये दोनों चीज़ें बैलेंस कर देती है लाइफ को और इनके कपल को भी। दोनों एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं, क्योंकि इन दोनों के नेचर में हेल्पफुल बातें जो हैं, और ये काफ़ी फ्रेंडली भी तो होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी फ्रेंडली नेचर रखते हैं, चाहे वो कोई भी हो उसे अपना दुख जो है अगर कोई किसी ने बताया तो फिर उसकी सारी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करने में लग जाते हैं, और काफ़ी दिल से सोचते हैं, दिमाग का खेल ये कभी नहीं खेलते, दिल को दिल तक रखते हैं, दिमाग से खेलना इन्हें पसंद नहीं होता, इमोशंस को वो जस्ट लाइक पूजा करते हैं, इमोशंस को ये कभी भी एक दूसरे को ये नहीं कहते कि तुम्हारे इमोशंस बेकार है, तुम कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती हो, नहीं, ये दोनों ना एक दूसरे को इस कदर समझते हैं कि पता ही नहीं चलता कि इनकी बॉन्डिंग लगता है 7 जन्मों की है, उस तरह की इनकी नेचर होती है। लेकिन हाँ एक चीज़ हो जाती है कि कभी कभी लाइफ में सिर्फ प्यार नहीं अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए होती है, और इनमें अंडरस्टैंडिंग काफ़ी होती है, एक दूसरे को समझते हैं
बहुत समझते हैं और वही जो रीज़न है इनकी बॉन्डिंग को इतनी ज़्यादा अच्छी रखती है और जोड़ियाँ जो हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और काफ़ी लंबे समय तक चलती है। मजबूती है, खींच के देख लो टूटेगी नहीं ये जोड़, काफ़ी मजबूत होती है इनकी जोड़ियाँ क्योंकि रब ने बनाई है ना। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, कुछ अच्छी बातें कुछ नई बातें। तो दोस्तों अगर आप भी ए और एच नाम से हो या फिर आप कोई और नेम से भी हो तो ज़रूर कमेंट करना, और किस जगह से देख रहे हो ये वीडियो को ज़रूर कमेंट करना, अच्छी लगी है बुरी वो भी ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों और शेयर भी करना अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच, इसी तरह बहुत सारे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।